नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज हम जिस मसले पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बेहद दुखद है। देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में एक और महाकाल की नगरी कहे जाने वाले इंदौर में मौत का तांडव हुआ है। यहां जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में मजदूर और भिक्षुक हैं जिन्होंने सस्ती के चक्कर में अवैध शराब खरीद कर पी थी। शहर के अलग अलग इलाकों में इनके शव पड़े मिले थे। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच से पता चला कि इनकी मौतें जहरीली शराब पीने से हुई हैं। पुलिस की अभी तक की जांच में ये पता लग पाया है कि एक मल्टी लेवल पार्किंग में कुछ लोग स्पिरिट जैसे केमिकल से जहरीली शराब बनाकर 20 से 30 रुपए में बेचते थे। मजदूर और भिक्षुक इन्हें खरीदते थे। पुलिस ने इस सिलसिले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में खुद संज्ञान लिया। उन्होंने केस की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी जो 2 दिन में उन्हें रिपोर्ट भी दे देगी। निर्देश दिया है कि पूरी घटना की जांच होनी चाहिए। एसीएस फॉर्म उस जांच को करेंगे। एक एसआईटी बनाई है, पुलिस की स्पेशल टीम वो पूरी घटना में त्वरित कार्रवाई करेगी। और केवल इसी जगह नहीं, मैंने पुलिस को निर्देश दिया कि कहीं भी इस तरह की और गतिविधियां तो नहीं हो रही, उनकी जांच करके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। इस मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। उन्होंने इस घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें, कमलनाथ ने कहा है कांग्रेस सरकार ने माफियाओं पर नकेल कसी थी, मगर वर्तमान सरकार इसमें नाकाम रही है। उज्जैन की इस घटना ने एक बार फिर मध्य प्रदेश की आबकारी नीति और शराबबंदी की मांग पर नई बहस को जन्म दे दिया है। शराब की तारीफ करने में भले ही दिक्कत वाली बात हो, लेकिन ये तथ्य किसी से छुपा नहीं है कि इसके तलबगारों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। गुजरात और बिहार सहित जिस भी राज्य में इस पर रोक लगी, वहां पूरे समय शराब की अवैध बिक्री के मामले सामने आते रहे। मध्य प्रदेश में भी ये शय सियासी मसला बन चुकी है। दिग्विजय सिंह शासन के समय उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव ने शराबबंदी की मांग उठाकर सरकार को उलझन में डाल दिया था। यादव पूरी तरह शराबबंदी की मांग कर रहे थे, जबकि दिग्विजय सिंह सरकार ऐसा कर रेवेन्यू का भारी भरकम नुकसान उठाने का जोखिम नहीं ले सकती थी। शिवराज सिंह चौहान सरकार भी रेवेन्यू के गणित के चलते ही शराबबंदी की बजाय केवल इतना कर सकी कि उसने शराब की नई दुकानें नहीं खुलने दी हैं। तो देखिए, शराब की दुकानें नई नहीं खुली, लेकिन जो शराब की दुकानें हैं वो तो संचालित हो रही हैं। अब ऐसे में जिन्हें पीनी है वो तो सस्ती भी पियेंगे और जिन्हें नहीं पीनी है वो नहीं पियेंगे। महंगी लेने वाले भी महंगी ले लेते हैं, लेकिन सवाल ये, हम पीने वालों को भी बुरा नहीं कह रहे, और लेकिन जो नहीं पीते हैं उनके बारे में भी हम सोच रहे हैं। अब आप देखिए, जिस तरह की तस्वीरें निकल कर उज्जैन से सामने आई हैं वो ये बताती हैं कि अगर इस तरह का माहौल चल रहा है मध्य प्रदेश में, तो जाम की जगह जहर का सेवन लोग कर रहे हैं, और इसके पीछे के कारणों का हम खंगालने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। ब्रजेश जी, कैसे देखते हैं आप? हम देख रहे हैं काफ़ी एक तबका बड़ा है, काफ़ी लोग तलबगार जो हैं शराब के काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं, और अब तक जो कंडीशन थी शराब को लेकर, पहले थोड़ा कम अमाउंट था लेकिन अब और भी ज़्यादा महंगी हो गई है। तो जो पीने वाले लोग हैं उन्हें तो खरीदनी है, वो सस्ती खरीदे चाहे महंगी खरीदे, लेकिन सस्ती खरीदने वाले जो लोग हैं वो ये नहीं देखते कि किस तरह की क्वालिटी का वो सेवन कर रहे हैं, और फिर घटनाएं उज्जैन जैसी सामने। पारुल, जहां तक ये मामला शराब पीने से मौत के मामले ही है, आमतौर पर देखने को आता है गरीब तबके के लोग होते हैं जो शराब पी के मर जाते हैं जी। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो सस्ती शराब की तरफ जाते हैं, और कई क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में शराब बनती है जी। और इस शराब बनाने वाले जो लोग हैं वो क्वालिटी का ध्यान नहीं रखते, उनका कोई एक मापदंड नहीं रहता कि कितनी क्या चीज मिलाना चाहिए, वो नशे के लिए मिलाते हैं। यदि उनके ग्राहक ने उनसे कहा कि इसमें नशा कम हो रहा है तो उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं, इस कारण वो शराब जहर में कन्वर्ट हो जाती है और लोगों की मौत हो जाती है। दरअसल इनके बनाने का एक तरीका भी जो है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो अवैध शराब बनाते हैं, इस तरह के शराब माफिया है, जो कई समुदाय के लोग भी इसमें लगे रहते हैं, दो जातियों के विशेष तौर पर ये लोग काम करते हैं, वो सड़ा गड़ा गुड़ देते हैं, सीरा नौसाना यूरिया धतूरे के बीज, और जो दुधारू गाय
और भैंस को जो इंजेक्शन लगता है, जो उसको ऑक्सीटोसिस इंजेक्शन कहते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ा सस्ता मिलता है, 10 रुपए का इंजेक्शन मिलता है, और इसके केमिकल से शराब में मिलाते हैं, इससे मिथाइल अल्कोहल की मात्रा आ जाती है शरीर के अंदर, और इससे शरीर में मिलकर रिएक्शन करती है और आपके अंग काम करना बंद कर देते हैं, और इससे तत्काल मौत हो जाती है। इस जहरीली शराब से सिलोपाइजन के रूप में भी ये काम करती है, इस कारण धीरे धीरे भी लोगों के शरीर में नुकसान पहुंचाती है। इसकी लागत बहुत कम होती है, जिस तरह से ये लोग बनाते हैं अब ये शराब भट्टियों में बनाते हैं, तो 450 से 500 रुपए में 20 लीटर शराब बन जाती है, और ये 1.5-2 गुना महंगी दिखती है, मतलब 1,500 से 2,000, तो इसकी आमदनी ज्यादा होती है। इस कारण अवैध शराब का कारोबार दिन दूना रात चौगुना फल फूल रहा है। पारुल बिल्कुल बार ब्रजेश जी, हम घटना को देखें तो ये पहली घटना नहीं है जब मध्य प्रदेश में जहरीली शराब, खराब शराब का सेवन करने से लोगों के साथ कुछ अनहोनी हुई हो। इससे पहले भी इस तरह के मामले मध्य प्रदेश में आ चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके ना आबकारी अमला इस तरह की घटनाओं को रोक पा रहा है और ना सरकार, खासतौर पर अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की सरकार शराबबंदी की तरफ रुख कर पा रही है, क्योंकि बहुत बड़ा राजस्व शराब से मिलता है सरकार को। बिल्कुल पारुल, हमने देखा कि लॉकडाउन में भी रतलाम में 10 लोगों की अभी इस तरह की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी और एक व्यक्ति की आंख तक चली गई थी जी। बड़वानी में भी घटनाएं हुई हैं, उज्जैन की ताजा घटना है, इससे पहले भी 3 दशक पहले इंदौर में बड़ी घटना हुई थी जिस पर फिल्म भी बनी है। अब ये शराब के कारोबार में प्रशासन और जो आबकारी महकमा है, इसकी बहुत बड़ी चूक है, लापरवाही है। इसके जिम्मे के लिए जिम्मेदारी है आबकारी विभाग की, वो चेक करे कि कहीं अवैध शराब और इस तरह की जहरीली शराब तो नहीं मिले। समय समय पर शराब दुकानों पर चेकिंग भी होती है, आबकारी अमले का काम रहता है, और जहाँ अवैध शराब बनती है वहाँ छापेमार कार्रवाई करना चाहिए उन्हें और पकड़ना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं इनमें कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत रहती है, इस कारण इस तरह का अवैध कारोबार और शराब माफिया पनप रहा है देश में, जिसके लिए भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और उज्जैन वाले मामले में भी हमने देखा है कि पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई है, 1 PI और 3 पुलिस वालों को, जिनके थाना क्षेत्र में ये अवैध शराब बिक रही थी। लेकिन आबकारी अमला, जिसको इसी काम के लिए जिम्मेदारी तय है, इसी डिपार्टमेंट है वो, के अवैध शराब कहीं नहीं बिके उसकी जिम्मेदारी उसकी पहली है, उस पर अभी तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई। तो सरकारें बात जरूर करती हैं सामाजिक सुधार के लिए शराबबंदी की, भाजपा सरकार ने पिछली बार भी ये मुद्दा आया था कि शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन राजस्व के कारण इस पर पूरी तरह से निर्णय नहीं ले पाते हैं। ब्रजेश जी, आप माफी के साथ आपको रुकना चाहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त रिटायर्ड डेप्यूटी कमिश्नर आबकारी विभाग से हमारे साथ प्रकाश पांडे जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी में। जी प्रकाश जी, हम उज्जैन में हुई घटना को लेकर जिक्र कर रहे हैं, जहां अलग अलग लोगों ने शराब, जहरीली शराब का सेवन किया, और उसके बाद जब जांच हुई तब पता चला कि जहरीली शराब का सेवन करने की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। आप कैसे देखते हैं इस तरह की घटनाओं को, और आप क्या मानते हैं कि इस वक्त जो आबकारी डिपार्टमेंट में काम कर रहे ऑफिसर्स हैं उन तमाम घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ऐसे जो अवैध तरीके से शराब बनती है, बेची जाती है, उन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे? देखिए मैडम, ऐसा है जी, पहली बात तो मैं आज से 7 साल पहले जी डिप्टी कमिश्नर एक्साइज की पोजीशन से रिटायर हुआ जी। अब मैं सेवानिवृत्त हूँ, तो अभी की बहुत लेटेस्ट पोजीशन को नहीं मालूम है। सामान्य रूप से जब अवैध शराब से मृत्यु होती है, कोई भी कैजुअल्टी डेथ होती है, तो हम लोग समझ नहीं पाते अवैध आसवन की बात करते हैं या जहरीली शराब की बात करते हैं। वास्तव में जहरीली शराब जिससे डेथ होती है वो डिनेचर्ड स्पिरिट हो सकता है, जब शराब की उपलब्धि न हो, क्योंकि कच्ची शराब जो हाथ बट्टी शराब बनती है वो मृत्युकारक बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन सर, अब आज आज इस समय मैं इस तरह की बात बोलूंगा तो सामान्य रूप से गले नहीं उतरेगी, पर चूंकि मैं 7 साल पहले रिटायर हो गया, विभाग की वर्तमान गतिविधियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सच यह है कि प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में जी आदिवासियों को कच्ची शराब बनाने की परमिशन है, वो अपनी आवश्यकता के लिए 5 लीटर, 15 लीटर, 40 लीटर तक की शराब, 45 लीटर तक शराब अवैध बना करके संग्रहित कर सकते हैं ओकेजन्स के लिए। तो अगर जहरीली बनती हाथ बट्टी शराब जो लोकल प्रोसेस से बनाते हैं, जिसको आप अवैध शराब बोलते हैं, हाथ बट्टी शराब बोलते हैं, वो बनाने की हमेशा परमिशन है, आधे से ज्यादा जिलों में आदिवासी की परमिशन। अगर जहरीली होती है, शासन कभी परमिशन दे नहीं सकता है।
इसलिए वो शराब तो जहरीली होती ही नहीं। अब जहर मिला दिया जाए तो खीर की जहर से भी मृत्यु हो सकती है, खीर के जहर से भी मृत्यु हो सकती है। अब दूसरा होता है डीएचएस स्पिरिट, जिसमें मिथाइल अल्कोहल जो घोषित विष है जी। अगर इसका सेवन किया जाए, जो अल्कोहल की पहली श्रेणी का आता है, पहला मिथाइल अल्कोहल है, दूसरा होता है इथाइल अल्कोहल, फिर अलग अलग अल्कोहल की सीरीज है। इथाइल अल्कोहल है C2H5OH केमिकल, इसका कॉम्बिनेशन है। ये हमारा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में आता है। मिथाइल अल्कोहल विशुद्ध रूप से घोषित जहर है जी। तो अगर जहर किसी ने पी लिया तो मृत्यु हो सकती है, मगर सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं होता है। जितनी आंख फूटने वाली बात होती है और डेथ होती है वो कहीं ना कहीं मिथाइल अल्कोहल के मिक्सिंग से होती है। ये अगर कहीं नेचर स्पिरिट बनाया, स्पिरिट के मूल चरित्र को बदलने में कहीं इसके मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल हुआ, या कोई विष मिला है शराब बनने के प्रोसेस में, विष मिला है जी, प्रोसेस की नॉर्मल प्रोसेस से बनेगी तो वो कभी भी जहरीली नहीं होगी। अब चूंकि मृत्यु हुई है इसलिए ऐसा कहना पब्लिक सेंटीमेंट्स को एकदम उभारेगा, और ऐसा कोई भी इस घटना में इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने जिस चीज का सेवन किया है उसे जहर उसके शराब मांग के ही खरीद कर उन्होंने उसका सेवन किया है, तो जाहिर है अब अगर बेचने वाला उसे शराब के नाम से बेचेगा तो उसे जहरीली शराब ही कहा जाएगा। अब उसमें कौन सा उसने केमिकल मिलाया, कौन सा अल्कोहल मिलाया, वो तो पुलिस जांच में सामने आ ही रहा है, और उसके बाद जब कार्रवाई होती है तो पुलिस वालों पर होती है, एक TI को हटा दिया जाता है, दो सिपाहियों को हटा दिया जाता है, तो आबकारी विभाग की जो ड्यूटी है कि इस तरह की गलत तरीके से बन रही शराब को रोकना, वो नहीं हो पा रहा है ना सर। गलत तरीके की शराब केवल रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाती है। जो अवैध आसवन होता है, बगल में अभी झाबुआ जिले की बात कर दीजिए, खंडवा के उसकी बात कर लीजिए, खरगोन की बात कर लीजिए, वहाँ हाथ बत्ती शराब बनाने की अनुमति है, रखने की अनुमति है, संग्रहित भी कर सकता है वो, समझे नहीं। अगर जहरीली होती तो नहीं कर सकते, अनुमति नहीं होती। तो जो कच्ची शराब बन रही है वो केवल इस सीमा में अवैध है कि वो नियम के अनुसार नहीं है, उसको आसवन का लाइसेंस नहीं है, और उस पर कहीं ना कहीं राजस्व का नुकसान है। और मरने वाली शराब बनाने की शासन कभी परमिशन नहीं दे सकता है जी। ये यहाँ नहीं, ट्राइबल एरिया सब प्लान के लिए बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस तरह के ट्राइबल एरिया सब प्लान की पॉलिसी है। लेकिन अगर वो बिक रही हो और शराब के नाम से ही बिक रही हो और उसे लोगों की मृत्यु, शराब के नाम से कहाँ बिक रही है, दुकान में बिल्कुल नहीं बिकेगी। नहीं नहीं सर, इलीगल तरीके से, जो इलीगल से तरीके उसको कंट्रोल करने का जिम्मेदारी है। वही तो, अवैध जहाँ भी शराब बिक रही है, सुनिए, अवैध जहाँ भी शराब बिक रही है, चाहे वो कच्ची बनाई हुई हो, चाहे लाइसेंस दुकान के अलावा बेची हो, वो अवैध बिक्रय कहलाएगा, समझे नहीं। उसके लिए कार्रवाई कर रहा है, आबकारी विभाग को कर रहा है, पुलिस को कर रहा है, सारे जो अधिकृत है उनको कार्रवाई कर रहा है। और सीमाएं हो सकती है जिसके अंदर कार्रवाई उतनी नहीं हो सकती है। हर अब हम बोलना शुरू करते हैं कि शराब बंदी और शराब का राजस्व, राजस्व शराब का हमारा पहला टारगेट नहीं है। एक्साइज जो शासन का टारगेट है वो राजस्व नहीं है, वो शराब को रेगुलेट कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है। मद्य निषेध के अंतर्गत सीमित शराब दुकानें हों, सीमित स्रोत हों। अब आज ये सब बातें जब कहीं कोई डेथ होती है, पब्लिक सेंटीमेंट्स रहते हैं, लोगों जन आक्रोश रहता है, उसको शांत करने के लिए पुलिस वालों को सस्पेंड कर दीजिए, एक्साइज वालों को सस्पेंड कर दीजिए, ये बड़ी सामान्य प्रक्रिया है जन आक्रोश शांत कर रही है। इससे वो जो अवैध जिसको शराब बोल रही है या जहरीली जब भी आ रही है, जहां कहीं उसमें जहर मिला हो वही मृत्यु होगी। अवैध आसवन से बनी हुई शराब से बिल्कुल मृत्यु कारक नहीं होगी। चलिए ब्रिजेश चौकसे जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं, सर आपके साथ मैं उनको भी जोड़ रही हूँ। और ब्रिजेश जी, आप सुन रहे हैं पांडे जी की बातों को, रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर हैं आप, करीब विभाग से आप कैसे देख रहे हैं? 7 साल पहले सेवानिवृत्त हो चुका नहीं हूँ, आप समझिए पांडे जी, एक सेकंड रुकिए जी। ब्रिजेश जी, पांडे जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि झाबुआ जिले में कुछ जगह पे आदिवासियों को उसको बनाने की अनुमति है, सही नहीं, जहाँ भी झाबुआ जिले में पूरे जिले में है, बाकी कुछ जिलों में ट्राइबल एरिया सब प्लान के इलाके में है, हाथ बत्ती शराब बनाते हैं तो मृत्युकारक नहीं हो सकती है। आपने ये भी कहा कि ये नुकसानदायक नहीं है, सही कहा आपने कि जो नुकसान, सुनिए, शराब जो बनती है वो नुकसानदायक नहीं है,
पांडे जी मेरी बात सुनिए, एक मिनट आप सुनिए सुनिए, एक प्रश्न प्रश्न सुन लीजिए। आपने कहा शराब नुकसानदायक नहीं है, नहीं ऐसा कभी नहीं कह सकते। शराब नुकसानदायक है, आप वैध शराब कोई भी पीते हैं उस पर लिखा रहता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इंजुरियस टू हेल्थ, ये तो बिल्कुल सरल बाह्य तथ्य है। एक मिनट पांडे जी, ब्रजेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, उनके सवाल को तो कंप्लीट होने दीजिए। जिस तरह की शराब बनती है उससे मौत नहीं हो सकती, जो देसी तरह से जो फार्मूले से बना, लेकिन जिस शराब की हम बात कर रहे हैं उसमें फार्मूले का ही तो तय नहीं हुआ, वो तभी तो हम उसकी अभेद बता रहे हैं, जहरीली बता रहे हैं, क्योंकि वो गलत तरीके से बनाई गई है, उसमें धतूरे के बीज, जल्दी बनाने के लिए एक जो फार्मूला रहता है उसका देसी शराब बनाने का, महुए की शराब बनाने का, वो तेल उसके अनुसार नहीं बनाई गई है, इस कारण ये जहरीली हुई जिससे लोगों की मौत हुई। तो ये तो रोकना आबकारी विभाग का ही काम है ना, क्योंकि गलत तरीके से अवैध शराब रोकना आबकारी विभाग का काम है। अवैध शराब रोकना डेफिनेटली आबकारी विभाग, पुलिस विभाग, जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका काम है अवैध शराब ना हो, ठीक है ना। मगर मृत्यु वाली जब बात आती है तो ये हाथ बत्ती जो शराब बत्ती है उससे मृत्यु नहीं होती, अगर धतूरा भी मिला है तो उस धतूरे का ये शराब डिस्टिल होकर निकलती है, एल्कोहल डिस्टिल होकर के निकलता है, मृत्युकारक नहीं होता, हानिकारक। लेकिन सर शराब के नाम से अगर उस जहर को बेचा जा रहा है तो उस जहर को रोकने के लिए भी आबकारी विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, आप ये कहना चाह रहे हैं? पूरी जिम्मेदारी है सर, दो बातें कर रहे हैं, उसका नियंत्रण आबकारी विभाग की जिम्मेदारी है, पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है, और उसकी व्यवहारिक सीमाएं होती है जिसके चलते, चूंकि जब मृत्यु हुई है तो इस तरह के कोई शब्द बोलना तो उचित नहीं होगा। और जो सर्विस वाले कोई भी अधिकारी है, शासन का कोई भी नुमाइंदा है, वो ये चीज नहीं बोल सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सर रिटायर्ड होने के बाद भी आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो फिर तो मतलब जो सच है, जो आप महसूस करते हैं एज अ सिटीजन भी, एज अ ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर भी, उसे दर्शकों से साझा कीजिए ना। तो वही तो बता रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ वही बोल रहा हूँ, पूरे अधिकार। चलिए आप फिर, मुझे लगता है अमूमन आपने अपनी बात कंप्लीट कर ली, बहुत शुक्रिया पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रजेश चौकसर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश जी आपने सुना पांडे जी की बातों को साफ तौर पर, कि पहले तो वो यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आबकारी विभाग इस तरह की जो शराब है जो खराब ही है, जहरीली ही है, उसे रोकने का काम करता है, लेकिन वो प्रायोरिटी पर कंपल्सरी उसके लिए नहीं है। तो ऐसे में इन तरह की चीजों को या इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या सिर्फ पुलिस ही जिम्मेदार है, और अगर ऐसा है तो सिर्फ टीआई और दो सिपाहियों पर कार्रवाई की जाए, उन पर उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है ये 9 लोगों की मौत जो हुई है? बिल्कुल पारुल, ये संयुक्त जिम्मेदारी है, पुलिस का काम है कानून व्यवस्था का पालन करना, कहीं भी कोई भी अवैध जुआ सट्टा शराब का कारोबार होता है तो उस पर कार्रवाई पुलिस को करने का भी अधिकार है। लेकिन शराब से संबंधित एक डिपार्टमेंट अलग मध्य प्रदेश में ही नहीं अन्य राज्यों में भी है, जिसका मूल काम ही शराब है, कि अवैध शराब तो कहीं नहीं बिक रही, गलत तरीके से तो नहीं बन रही। जैसा कि मैं पांडे जी को सुन रहा था, पांडे जी कह रहे हैं कि इस तरह शराब बनने से किसी की मौत नहीं हो सकती, लेकिन पांडे जी ये नहीं बता पा रहे हैं कि शराब का एक तय फार्मूला होता है, यदि महुए से शराब बनती है तो सही है कि किसी की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन वो सही तरीके से बनाई गई हो उसमें टाइम लगता है 6 महीने 2 महीने, लेकिन तत्काल बनाने के लिए कुछ चीजें उसमें मिला दी जाती हैं, यूरिया मिला दिया जाता है और जो केमिकल मिला दिए जाते हैं, इस कारण इनकी मात्रा से वो जहरीली बन जाती है। यदि आप तय मात्रा से ज्यादा अधिक मात्रा कोई चीज की मिला दोगे तो वो जहर बन ही जाएगा, इस कारण ये मौतें हुई हैं। हालांकि पांडे जी उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है क्योंकि वो आबकारी विभाग में रहे हैं तो हो सकता है विभाग की बचत करना उनका काम है और अब तक वो उससे उभर नहीं पाए हैं। हालांकि मेन जिम्मेदारी आबकारी विभाग की है इसमें, यदि कहीं गलत शराब बिक रही है, जब वो उसी क्षेत्र में रहते हैं, उनके साथ लोग संपर्क में रहते हैं, जो वैध तरीके से शराब बेच रहे हैं उनसे भी संपर्क रहता है, अवैध तरीके से शराब बेच रहे हैं तो उनसे भी संपर्क रहता है, जहाँ पे यदि शराब अवैध बिक रही है तो हमने देखा है कि अवैध तरीके से भी शराब के जो ठेकेदार रहते हैं वो अपना एक दस्ता बना के चलते हैं जिसको कोई कानूनी मान्यता नहीं है, जो चेक करता है कि कहाँ अवैध शराब बिक रही, ताकि उनको जो उनकी बिक्री में कमी ना आए। लेकिन सर एक जो कारण जो समझ आ रहा है कि क्यों इस तरफ ऐसे लोगों से शराब लेने को लोग मजबूर हो रहे हैं, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं शराब ना पीने वालों का या पीने वालों का, लेकिन ये समझना जरूरी है कि अगर कोई शराब का सेवन करने वाला व्यक्ति है और उससे अगर जरूरत है कम पैसे में, वो उस गलत एरिया की तरफ जाएगा या ऐसे लोगों की तरफ जाएगा जिससे सस्ती शराब मुहैया करा रहे हो, जिससे उसकी पूर्ति हो रही है, जो मंशा
नशा से वो शराब पी रहा है, उसे नशा हो रहा हो, लेकिन अगर उसमें घातक केमिकल मिले हुए हैं तो जाहिर है उसके शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन ये क्यों हो रहा है इसके तहत तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, शिवांग सिंह साहब हैं डायरेक्टर नशा मुक्ति केंद्र से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। शिवांग सिंह जी बहुत स्वागत आपका नादि टीवी में। जी नमस्कार। शिवांग जी आप कैसे देखते हैं जो नौ मृत्यु हुई है उज्जैन में, पहली बार नहीं, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, क्या शराब बंदी कर देनी चाहिए, किस तरह से ऐसी घटनाएं कंट्रोल होंगी, क्या शराब नीति में बदलाव करना चाहिए, आप कैसे देखते हैं इस तरह की घटनाओं को? देखिए मैम ऐसा है कि मैं एक नशा मुक्ति चलाता हूँ जी, है ना, और मैं खुद एडिक्ट रह चुका हूँ जी, है ना, मैं भी नशा करता तो आज मैं छोड़ चुका हूँ उस नशे जी, है ना। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नशा करते हैं जी। लेकिन कुछ ज्यादा नशा करते हैं और कुछ कम नशा करते हैं, जो कम नशा करते हैं वो अपने आप को भी पाल लेते हैं अच्छे से, अपने परिवार को ही पाल लेते हैं, है ना, लेकिन जो ज्यादा नशा करते हैं ना वो अपने आप को पाल पाते हैं ना अपने परिवार को पाल पाते हैं ना समाज को पाल पाते हैं, है ना। तो दिक्कत ये है, शराब बंदी का सोल्यूशन नहीं रहेगा, व्यक्ति को खुद देखना पड़ेगा कि भैया मेरे को क्या करना है। नहीं लेकिन जो अभी घटना हुई है उज्जैन में उसमें मजदूर लोग, भिक्षु लोग, इस तरह के लोग शामिल थे जिन्होंने इस तरह की जहरीली शराब का सेवन किया है, तो अगर शराब सेवन करने वाला कोई व्यक्ति है वो नहीं छोड़ सकता शराब, उसकी आदत बनी हुई, आदतन है वो, तो अब उसे किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, लिमिटेड पैसा है, नशा भी करना है। देखिए जो एक एडिक्ट व्यक्ति रहता है वो कभी ये सोच के एडिक्ट नहीं बनता है कि मैं आगे चल के मेरे को ये हालत देखने पड़ेंगे, मैं एडिक्ट हो जाऊंगा, है ना। वो हमेशा कभी शौकिया तौर पे नशा करता है, धीरे धीरे जब वो एडिक्ट हो जाता है तब उसकी क्या बॉडी डिपेंडेंट हो जाती है, वो मेंटल डिपेंडेंट भी हो जाता है उस जगह, तब उस समय क्या रहता है कि वो कुछ भी सोचता है, बस ये सोचता है कि मेरे को चाहिए, अब उसको कहीं से भी मिले। वो आजकल तो ये सब हो ही चुका है धंधा, आपको पता ही है कि बिक रही है शराब और ब्लैक में ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिलावट करके दे रहे हैं, जहरीली शराब बना रहे हैं। जहरीली शराब पीने से शरीर को नुकसान है और आप देख रहे हैं उज्जैन की घटना जो निकल कर सामने आई, नौ लोगों की मौत हो जाना। ब्रजेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, ब्रजेश जी आप कुछ पूछना चाहते हैं शशांक जी से जो नशा मुक्ति केंद्र के डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हुए। शिवांग जी आपके पास तो अक्सर ऐसे मामले आते होंगे जो नशे के आदि रहते हैं, कई तरह के नशे के आदि रहते हैं, तो जो सरकार शराब बेचती है उससे एडिक्ट कम होता है आदमी, जो दूसरी तरह से जो शराबें मिलती है अभी शराब जिनमें नशा ज्यादा होता है उससे ज्यादा एडिक्ट होता है, ऐसा लगता है आपको? नहीं ऐसा तो नहीं लगता। देखिए अगर जहरीली शराब और जो नॉर्मल शराब है ऐसा नहीं होता, एडिक्ट व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, वो तो दोनों का ही एडिक्ट हो सकता है, लेकिन जहरीली शराब से उनको हानि पहुंचती है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रेगुलर लेते हैं या उनका वीकली कोई प्रोग्राम होता है या ओकेशनली लेते हैं, एडिक्ट नहीं होते वो, लेकिन वो अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं, लेकिन उनका वो उस तरह की शराब का सेवन नहीं करते या वो कच्ची शराब या इस तरह की 30 रुपए या 40 रुपए में मिलने वाली शराब, उसे आप फाइनेंशियल कंडीशन रहती है खराब रहती है, वो लोग इस तरह का करते हैं जहरीली शराब और ये कच्ची शराब हुए, है ना, सस्ते में जो उनको मिल जाए, तो इन्हें आप एडिक्ट मानते हैं जो इस तरह किसी भी शराब का सेवन कर सकते हैं? जी जी जी। ब्रजेश जी तो ऐसे लोगों के लिए फिर क्या शराब नीति में बदलाव होना चाहिए, इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए, ब्रजेश जी आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल पावल जी, इन घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है, सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को सही चीज मिले। शराब हानिकारक है समाज के लिए, विकृति है, इस पर पाबंदी लगाने की बात चलती रहती है, लेकिन पाबंदी नहीं लग सकती है तो वो लिमिट में और सही क्वालिटी की मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जो लोग मौत हुई है जिन लोगों की शराब के कारण, वो जहरीली शराब इसलिए थी कि उनको मापदंड के अनुसार नहीं बनी थी। लोग उस शराब की तरफ क्यों जाते हैं जैसा कि आप पहले पूछा था आपने, तो उस शराब के लिए इसलिए जाते हैं, गरीब तबका रहता है, जो शराब हो गई है महंगी आज की तारीख में, हर साल उसकी 20% दर बढ़ा देती है सरकार, टैक्स बढ़ा देती है, इस बार 25 हो गई कांग्रेस सरकार ने की थी, तो इस कारण जब शराब दिन पर दिन हर साल महंगी होती जा रही है और जो गरीब लोगों की पहुंच से बाहर हो गई है, इस कारण वो जो अवैध रूप से शराब बनाते हैं उन तरफ जाते हैं। यदि सरकार की जो शराब लेके यदि वो पी रहे होते तो इनसे मौत नहीं होती, क्योंकि उसकी क्वालिटी की रहती, जैसा कि पांडे जी भी कह रहे थे, लेकिन जो अवैध तरीके से बनाते हैं उनका कोई फिक्स फार्मूला नहीं रहता है, वो नशे के हिसाब से यदि उन्होंने किसी ग्राहक ने उनसे कहा कि हमें नशा कम हो रहा है तो वो उसमें ऐसी मात्रा बढ़ा देते हैं जो जहर का कारण बन जाती है, जिससे मौत हो जाती है।
तो ये महंगी शराब होने के कारण ये घटनाएं हो रही हैं, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। या तो गरीबों को उस मात्रा में वो सही शराब उपलब्ध कराए, या इस पर शराब पाबंदी लगाए। बिल्कुल, या तो आप शराब को खत्म कीजिए कि बनाने वाले भी अंदर जाएंगे, उन पर भी कार्रवाई होगी और पीने वालों पर भी कार्रवाई होगी, या तो ये सॉल्यूशन है। और अगर राजस्व है या जरूरत है लोगों की कि शराब पीना है उन्हें, तो ऐसी नीति होनी चाहिए कि कम से कम शराब पीने वाला अगर पी भी रहा है तो उसकी मौत ना हो जाए, जो 9 लोगों की मौत हमने इंदौर में देखी। बहुत शुक्रिया शशांक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रजय जी, एक लास्ट कमेंट मैं आपसे ले रही हूँ कि आने वाले समय में आप क्या देखते हैं कि देखिए अभी हमने देखा मध्य प्रदेश में शराब दुकानों को काफी दूर पहुंचा दिया गया, यानी वो रेसिडेंशियल एरिया में नहीं रहेंगी जहां पब्लिक का आना जाना है, महिलाओं का आना जाना है, मंदिर आसपास है, स्कूल आसपास है, वहां तो बिल्कुल नहीं रह सकती। अब जो लोग, जिन गरीबों की हम बात कर रहे हैं, जो आदि एडिक्ट हो गए हैं इस चीज के, उन्हें चाहिए यानी हाउ, तो वो अब दूर भी नहीं जाना चाहते, वो चाहते हैं आसपास में ही उनकी पूर्ति हो जाए। और फिर आसपास में ऐसी चीजें हैं, और नशा करने वाला ये भी नहीं सोचता कि उसके शरीर में ये चीज जाने के बाद किस तरह का इफेक्ट करेगी। तो अब सरकार ने भले ही इन अधिकारियों पर कार्रवाई की हो, जो टीआई हैं, दो सिपाही हैं, आबकारी विभाग अपनी फॉर्मेलिटी अगर इस मामले में कर रहा है, तो आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना हो, उसे रोकने के लिए तो नीति ही बदलाव होगी सर। बिल्कुल बिल्कुल पारस जी, नीति में ही बदलाव करना पड़ेगा। सरकारों की नीति अलग अलग रही है, जैसे भाजपा सरकार की नीति है कि शराब को बढ़ावा ना दिया जाए और कम किया जाए, धीरे धीरे शराबबंदी की ओर ले जाया जाए, अच्छी नीति है, कोई दो राय नहीं है उसमें। लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी भी तो है, क्वालिटी की शराब अभी आप जो बेच रहे हो वो क्वालिटी की शराब मिले, जैसे कि मिलता है सरकारी दुकानों पर, जो ठेके दिए जाते हैं उन पर क्वालिटी की शराब मिलती है, उनकी समय समय पर चेकिंग होती है कि क्वालिटी में गिरावट तो नहीं आई है। लेकिन जो अवैध बेच रहे हैं, जिन लोगों पे, जो जिन तक पहुंचे उन पर कार्रवाई करेंगे, तो जो क्वालिटी की शराब उनको लेना ही पड़ेगी, भले ही उनकी मात्रा कम हो, या तो वो उस पर कार्रवाई करे, या फिर जो दूसरा कार्रवाई उन्होंने की है ये देखना है। हमने पहले भी रतलाम में भी घटना हुई, मंदसौर में भी घटना हुई, पहले तत्कालिक मामले में सरकार एक्शन लेती है, लेकिन गरीबों से जुड़ा हुआ मामला रहता है इसलिए कुछ दिन बाद फिर भूल जाती है, फिर जब कोई घटना होगी तो सरकार फिर संज्ञान में लेती है। क्योंकि आपने देखा होगा पारुल, कि कभी भी शराब पीने से कोई बड़े स्तर में या बड़े लोग नहीं मारे गए हैं, क्योंकि वो क्वालिटी की शराब पीते हैं, सरकारी दुकानें जो ठेके दी जाते हैं उनसे शराब लेते हैं। जब भी शराब, अवैध शराब से मौतें होती हैं, जहरीली शराब से मौतें होती हैं, वो गरीब तबके की होती हैं। इस कारण कुछ दिनों के लिए सरकारें इस पर ध्यान देती हैं, इसके बाद भूल जाती हैं, फिर जब कोई घटना होगी फिर इस पर ध्यान जाएगा। जबकि सरकार को एक कैंपेन चलाना चाहिए कि जहाँ भी अवैध शराबें बन रही हैं, इस तरह की शराबें बन रही हैं, उन पर कार्रवाई करे, ताकि लोगों की जान जोखिम में ना जाए। आम लोग, पब्लिक की ऐसा कोई नंबर भी जारी करना चाहिए, ऐसा कोई कंप्लेन करने के लिए स्थान होना चाहिए जहां आम लोग या फैमिली वाले ही इस तरह की घटनाओं की जानकारी दे सकें, इस तरह की जहरीली शराब बनने के बारे में जानकारी दे सकें। अब इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कल से आबकारी अमला जगह जगह छापे मारना शुरू कर दे और उसके बाद बाकी फिर से स्थिति ठंडे बस्ते में चली जाए, तो ये हो सकता है। हमारे दर्शक इस मामले में भी आप प्रिपेयर रहिएगा। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी तमाम जानकारी देने के लिए और बहुत अच्छे से तमाम सिचुएशन को हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। इंदौर इससे पहले भी इस तरह की घटना का शिकार हो चुका है, लेकिन वो समय था 3 दशक पहले का, और इस बार फिर उज्जैन में इस तरह की घटना सामने आई है जिसने 9 लोगों की जान ले ली। जहरीली शराब पी और 9 लोगों की जान चली गई। अब आप ये समझिए कि ये लोग, इन लोगों की मृत्यु किसी बीमारी से, किसी एक्सीडेंट से नहीं हुई है, इन लोगों की मृत्यु हुई है शराब पीने की वजह से। जो शराब आपको, आप देखते हैं कि थोड़ा ही आप दूर जाएं तो आपको कोई ना कोई अंग्रेजी या देसी शराब की दुकान आपको मिल जाएगी। अब सरकार शराब बेचना बंद नहीं कर सकती, या फिर यूँ कहें कि शराब से जो राजस्व प्राप्त होता है उसको बंद नहीं कर सकती, यानी शराब की दुकानें तो संचालित हो रही हैं, जो ठेकेदार हैं उन्हें भी भारी भरकम अमाउंट में ठेका दिया जाता है। अब उस ठेकेदार को भी अपना अमाउंट निकालना है, यानी उसे जो टैक्स देना है या जो ठेके का अमाउंट पूरा करना है, उसके लिए वो भी शराब की कीमतें बढ़ा देता है, यानी जो शराब अब तक कम कीमत में मिल रही थी उस ठेकेदार की वजह से उसने वो अमाउंट बढ़ा दिया। अब आप अगर बात करें कि दुकानें दूर पहुंच गई हैं, जो गरीब 4 किलोमीटर चलकर नहीं जाना चाहता, वो सोचता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में ही उसे वो शराब मिल जाए, लेकिन जितना पैसा है उतने में ही वो खरीदना चाहता है, तो वो जहरीली शराब की तरफ भी रुख करता है, वो कच्ची शराब की तरफ भी रुख करता है, जिसके बाद उस अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है, या उसके शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है, आँख खराब हो जाती है, लिवर खराब हो जाता है, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में इसके आगे क्या होना चाहिए, कैसे इन घटनाओं को रोका जा सके, किसकी गलती है, क्यों नहीं इस तरह की जहरीली शराब बनना बंद होती है, आखिर कौन इस पर सख्ती से कार्रवाई करे। जिम्मेदारी तो आबकारी विभाग की भी बनती है, जिम्मेदारी पुलिस की भी बनती है, जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है, लेकिन अगर तीनों अच्छे से काम करें तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है, जो फिलहाल तो नहीं हो रहा है। अब आने वाले समय में देख
देखेगा कि छापे तो पड़ेंगे लेकिन कुछ समय बाद ये सभी ठंडे बस्ते में चले जाएंगे, क्योंकि शराब न बिकना रुकेगी न पीने वाले रुकने वाले हैं। तो उसके आगे फॉर्मूला क्या, पॉलिसी क्या, सोचना जरूरी है, वरना यूं ही जाती रहेंगी जाने और पीते रहेंगे लोग बगैर वो शराब जिसमें सरकारी सील या सरकारी स्टिकर नहीं है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।